सरकारी नौकरी का दर्द क्या होता है ये लड़कों से पूछो। बचपन से फैमिली, रिश्तेदार, सोसाइटी सभी का दबाव रहता है कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ही करना है। जहाँ जाओ बस एक ही सवाल, कब तक नौकरी लगेगी? और उस नौकरी को पाने के चक्कर में ये लड़का क्या क्या खो देता है, शायद ही इसे कोई जान पाता। लड़का कभी रोता नहीं है, लेकिन अगर रो रहा है ना तो समझ जाना बहुत तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा। वो अपनी फीलिंग को इतना दबा के रखता है ना कि वो बयां नहीं कर पाता, और बयां करे भी तो किसके साथ करे? दोस्त के साथ करे तो मजाक बनता है, रिश्तेदारों के साथ करे तो और मजाक बनता है। माँ बाप को ऐसे ही बहुत टेंशन है, अपनी भी टेंशन देकर और कैसे बढ़ा दो। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहाँ हमें जाना ही नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था, हमने खो दिया सब कुछ वहाँ जहाँ कुछ पाना नहीं था। खैर कोई बात नहीं भाई, होगा, हो सकता है कोई एक साल में भी आगे निकल जाए, हो सकता है किसी को 5 साल भी लगे, लेकिन होगा ज़रूर। कभी भी ऐसा मत सोच लेना कि मैं काबिल नहीं हूँ। अरे ऊपर वाले ने बनाया है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, चाहे जो हो जाए, लेकिन अब बढ़ा हुआ कदम पीछे नहीं हटेगा। सफलता के रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, बस होंगे तो सिर्फ आप और आपकी हिम्मत। मैं मानता हूँ कि मुश्किल है, पर इतनी भी नहीं कि तू कर ना सको। दूर है मंजिल, लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सको। कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पर तुमको सलाम होगा। डटकर मुश्किलों का सामना करना है दोस्त, एक दिन ये वक्त भी तेरा गुलाम होगा। कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगी। चलते रहना तुम कदम से कदम मिलाकर, रुकना मत। अरे मंजिल ही तो है, एक दिन आएगी। अरे जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यार, वो जो जलेगा उस दिए में उजाला होगा।